आपसे कुछ बातें फरमाई हैं, तो ये है कि हम सब दोस्तों को उस्तादों को सदर साहब का साथ जो है हमें टाउन करना है और इंशाल्लाह कबूतरबाजी जो है ईमानदारी से वो हमें करनी है। मसले मसाइल हैं कोई भी है, हो जाते हैं, गलती भी हो जाती है इंसान से, पर ये शौक है, ये भाईचारगी का शौक है। अभी किसी को भी कोई कंप्लेन है, शिकायत है, वो फौरी तौर पर यूनियन को इतला दे, तो इंशाल्लाह उस्ताद है, कमेटी है जो उस्ताद ने बनाई है वो भी राउंड करेंगी। तो लिहाजा जो भी आपके साथ मसले मसाइल हैं वो आप यूनियन को बताएं, आज अपने सदर साहब को बताएं, कौन भी बचा ये हमारा कब हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह छतें बहुत ज्यादा है, शौकीनों ने माना बढ़ चढ़कर शौक में हिस्सा लिया है, तो इसी तरीके से हम भी जो है ना सब टाउन करेंगे यूनियन के साथ, तो इंशाल्लाह अच्छा शौक होगा। शौक यही कोशिश करनी है, ईमानदारी का शौक हो, भाईचारगी का शौक हो, कोई हमें इख्तलाफ या कोई तरफदारी वाली बात नहीं है, कमी कोताही हो जाती है इंसान है तो वो कोई मसला नहीं है, उसको भी आगे पूर्ण कर लेता है। तो हम सब भाई यकजा हैं, मुत्तहिद हैं, किसी के दिल में कोई फर्क नहीं है, उसके साथ जो भी होगा खिलाड़ियों को अच्छी सहूलत देंगे ताकि खिलाड़ियों को परेशानी नहीं हो, जो भी बात होगी कायदे कानून जो भी मसले मसाइल होंगे आप सबकी राय से इंशाल्लाह यूनियन बनाएगी, यही हमारा पैगाम है। आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है बढ़ चढ़ कर सब उस्ताद शागिर्द जो है ना शिरकत करना अगले करने भी, ठीक है, ये बातें उस्ताद की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात करने की गुंजाइश तो उस्ताद अब्दुल नबी सदर जो है उन्होंने कोई भी छोड़ी नहीं है, माशाल्लाह जो भी बात की है शौकीनों के लिए बहुत अच्छी बात की है, कि ये कबूतरबाजी इसके अंदर कहीं पर कमी कोताही भी हो जाती है, तो इसके लिहाज से हम सबको एक दूसरे के ऊपर एतमाद और एक दूसरे पर भरोसा करके कबूतरबाजी करनी चाहिए, कहीं पर थोड़ी बहुत कमी कोताही हो जाए तो हमारी, जैसे कि अब्दुल उस्ताद हाजी गुलाम ने बताया कि जो हमारी जो कमेटी है उसको फौरन इतला करें, तो जो हमारे अहदेदार हैं इंशाल्लाह पूरा पूरा साथ देंगे और सबका शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज माशाल्लाह नवाब शाह के सब शौकीनों को, उस्तादों को, खलीफों को आज इस मीटिंग में देखा है तो बहुत खुशी हुई है। मेरे ख्याल से ये कि नवाब शाह की तारीख के अंदर पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन ये काफ़ी अरसे के बाद, मैंने ये कोई 5-7 साल के अरसे के बाद आज देखा है कि ये सारे शौकीन जितने भी आज शौकीन हैं, खलीफा हैं, उस्ताद हैं, मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म के ऊपर आज बैठे हुए हैं, माशाल्लाह। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये कबूतरबाजी इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो इम्तिहान है इंसान शौकीन के लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये हकीकतन बात है कि क्योंकि एक इंसान को जो है ना, अगर वो कोई 50 कबूतर भी रखता है तो वो अभी इस वक्त जो है ना वो 10 कबूतरों की भी गुंजाइश नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद ये इतना शौक महंगा तरीन हो गया और इसको पूरा वक्त भी देना पड़ता है। तो हम सब उस्तादों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ इस शौक को करना चाहिए, कि जिसका हक है, जो जीत रहा है तो उसको जीत के लिए इतनी खुशी देनी चाहिए कि उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, उसको बदनाम नहीं करना, क्योंकि वो जीत रहा है, अगला एक जीता हुआ है तो उसको बदनामी का दाग नहीं दे, बल्कि उसको एक हार का जो है ना पहनाने के लिए जो है ना वो खुशी से सब करें, ताकि वो जितनी मेहनत कर रहा है वो अपना जो है ना रोज़ी रिस्क जो है बच्चों को देने वाली है वो कबूतरों को दे रहा है, तो उसको बाद में बेइज्जती का बाइस बने तो ये भी अच्छा नहीं है। तो हम सब शौकीनों को जो है ना चाहिए इस बात में, जैसे आज माशाल्लाह सारे जितने भी शौकीन बैठे हुए हैं सिर्फ एक वाह के लिए बैठे हुए हैं, ये आज जो 45 या 47 छतें सुबह उड़ेंगी पता नहीं किसके नसीब का है, पता नहीं किसके नसीब का है, लेकिन जिसके भी नसीब का है, अल्लाह किसी को भी नसीब का तो दे, तो हम सबको चाहिए कि उसको जो है ना वाह 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 करें, हम उसके लिए कोई दाग नहीं। तो मेरे सब मौजूद उस्ताद भी इसमें बैठे हैं, खलीफा बैठे हैं, सीनियर भी बैठे हैं, जूनियर भी बैठे हैं, सब उस्ताद खलीफा शागिर्दों से यही गुफ्तगू है कि भाई मेरे एक दूसरे के ऊपर दाग लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच लिया करो,
कि यार ये बात मैं कह रहा हूँ इसमें 100% सच्चाई है तो मैं वो बात करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। और हमारी यूनियन को भी चाहिए कि ऐसा इंसाफ वाला फैसला करे कि जिसका हक है उसको हक दिया जाए। और दूसरी बात यही है कि अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच ले कि उसके ऊपर जो है ना यूनियन इतना बड़ा डंड डोल लगाए कि वो आइंदा दूसरा शौकीन भी याद करे कि यार इल्ज़ाम से बचो, नहीं तो तुम्हारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा। मेरे सब शौकीन भाइयों से, सब उस्तादों से, शागिर्दों से, खलीफों से, सबसे ये गुजारिश है कि एक दूसरे का साथ शौक में दें। और जो हमारे अंदर ऐसे शौकीन हैं जो कि एक मकसद किसी का हक जो है ना वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करते, तो उसका साथ नहीं दे बल्कि उसको समझाए कि आप ये काम नहीं करो। हम लोग आजकल जो है ना बटे हुए क्यों हैं, सिर्फ यही बटे हुए हैं कि तू मेरा साथ देना मैं तेरा साथ दूंगा, तू हक बात कर नहीं हम तेरे साथ हैं, तू ऐसे ऐसे कर, सिर्फ ये गलत फहमियाँ हैं एक दूसरे की। अगर हम ये छोड़ दें तो मेरा जान तक ख्याल ये शौक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा शौक है यकीन करो कि मैं बोलता हूँ इससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत और किसी शौक में है ही नहीं। स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ ये वाहिद एक शौक हमारी कबूतरबाजी का है कि इसके अंदर ज़ात पात को नहीं देखा जाता, कोई ज़ात पात को नहीं देखा जाता है, और इसमें सारे जो है ना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अनजान आदमी किधर भी आप चले जाएं शौकीन की छत के ऊपर, सिर्फ ये कहें कि मैं कबूतरबाज हूँ नवाबशाह का हूँ, तो वो आपको घर में बिठाएगा, छत पे ले जाएगा, अच्छी इज्जत देगा। स्पोर्ट्स दूसरे स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है, ये स्पोर्ट ऐसा है। बहरहाल मेरी सब शौकीनों से यही गुजारिश है कि कल के दिन सब एक दूसरे के ऊपर जो है ना कबूतरों पे नज़र रखें, जहाँ पे भी थोड़ी बहुत हेर फेर हो या 19-20 होती है तो उसको तो दरगुजर किया जाता है, लेकिन जो है ना जो 20 का 20 हो तो वो गलत हो जाता है सारा। उसको जो है ना यूनियन तक जो है ना वो इतला दे कि भाई हमने ये चीज़ देखी है, साइड नहीं ले, चाहे वो तुम्हारा पीर भाई है या तुम्हारा उस्ताद भी है वो, तो उसको भी समझाओ कि उस्ताद गलत कर रहे हो तुम, मैं खुद हूँ, आप सबको पता है ना मैंने उस्ताद को अपने कहा है कि उस्ताद कानून की जद में आओगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, बैठा हुआ है उस्ताद, ये नहीं है इसकी इज्जत मैं करता हूँ, मैं इतनी इज्जत करता हूँ कि बेइंतहा इज्जत करता हूँ, लेकिन कबूतरबाजी के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं सदर हूँ इस शर्त के ऊपर कि उस्ताद अगर मैं सदर हूँ मैं इंसाफ का फैसला करूँगा, उसके अंदर अगर आप भी आ गए तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, और ये बात मैंने की भी है। तो इसी तरीके से हर शौकीन ये सोच ले कि मेरा उस्ताद भी अगर बेईमानी कर रहा है तो उस शौकीन को चाहिए उस्ताद को समझाए कि उस्ताद न कर, ये बेईमानी का दाग है, ये न कर, एक दफ़ा लग गया तो ये धुलेगा नहीं। कोई भी शौकीन भाई एक दूसरे का साथ दे और इसको प्यार मोहब्बत से, कल गलतियाँ होती मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी, हो सकती आगे भी, लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात हो गलती हो तो आदमी उसको मान ले तो उस जैसा इंसान बड़ा कोई है भी नहीं। लेकिन मेन मकसद की कहानी है उसको फिर जो है ना बैठ के उस बात को हल करना चाहिए, ये नहीं कि उसको वावेला करके जो है ना इतना कुछ बोल देना चाहिए कि आदमी बाद में जो है ना शर्मिंदा भी हो उस बात के ऊपर। बहरहाल मेरी सबसे गुजारिश यही है कि शौक को शौक के तरीके से करो, और जितने भी आज शौकीन बैठे हुए आज खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि शौक के हवाले से माशाल्लाह बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। हमारे उस्ताद मोहतरम सीनियर उस्ताद सदर साहब अब्दुल नबी बिरोही साहब की सदारत में और ताहिर भाई जनरल सेक्रेटरी और अली उस्ताद सईद नायब सदर और जॉइंट सेक्रेटरी जनरल गफार अब्दुल गफार की क़यादत में ना, और सारे उस्ताद मिलजुल के इंशाल्लाह बहुत अच्छा शौक रहा। बड़ी खुशी की बात है जैसे कि उस्तादों ने फरमाया, उस्ताद अब्दुल नबी साहब ने, उस्ताद हाजी गुलाम अहमद ने, आज़ाद ने, सरदार भाई ने, तो मेरे बोलने की गुंजाइश ही नहीं रखी गई है। तो लिहाजा मैं पिछली बातों में थोड़ी रोशनी डाल देता हूँ थोड़ा सा। वाकई में यूनियन जो होती है उनके ऊपर बहुत, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ शागिर्दों को भी यार दोस्तों को भी कि यूनियन के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है
इस टूर्नामेंट को लेकर चलना, और ख़ास तौर पर माशाल्लाह जब इतने अफराद तादाद में ज़्यादा हों तो इसके साथ साथ हम लोगों को ही भरपूर ताउन इनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और इंशाल्लाह करा है और करेंगे इंशाल्लाह। सब साधु ने जबरदस्त बातें की, मैं मुतमिन हूँ अर्जी से, और इंशाल्लाह तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अभी हम पर्चा बांटेंगे। अभी मैं हमारे पास मुनसिफ नहीं है, मेरी आरजी दो छोकरे में बना रहा हूँ, इजाज़त रहा उस्ताद को।